हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। मॉडुलस फंक्शन के बारे में इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका काम क्या है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, और अगर कुछ पहले से ही पॉजिटिव है तो उसको चेंज नहीं करेगा, दैट विल बी अनचेंज्ड। सो इट रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू ओनली। कैसे रिटर्न करेगा? इट कीप्स पॉजिटिव वैल्यू अनचेंज्ड और अगर कोई नेगेटिव है ऑलरेडी, अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। एंड इट मेक्स अ नेगेटिव नंबर नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव। ओके, नेगेटिव को पॉजिटिव करेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया जाएगा? नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका होता है उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पॉजिटिव है तो वैसे ही रखना है, नेगेटिव है तो उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। डेफिनेशन कैसे बनेगी? मॉडुलस फंक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, इसका सिंबल है मॉड एक्स। एक्स मीन्स एक्स इज द नंबर जिसको हमने जो एज ए इनपुट एक्ट कर रहा है। तो अगर एक्स पॉजिटिव है, देखो एक्स अगर पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो मॉड एक्स एक्स को ही रिटर्न करेगा, और अगर एक्स लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करेगा। और मैंने बताया आपको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्स का माइनस एक्स हो जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इट मेक्स अ नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग विद विथ माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट इसका ग्राफ देखिए। ग्राफ क्या है? ग्राफ तो इसको एक्स एक्सिस बना दिया मैंने यहाँ पे, लाइक दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब आप जानते हैं, हाँ, यहाँ पर मॉड एक्स की डेफिनेशन में एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स है और एक्स लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स है। तो यहाँ पर आपके माइंड में ये डाउट, ये क्वेश्चन आ सकता है कि तो जीरो के ऊपर वैल्यू क्या है? मॉड ऑफ जीरो इज जीरो ओनली, जीरो के ऊपर वैल्यू जीरो ही आएगी, लेकिन इन दोनों डेफिनेशंस में से कहां पे हम इक्वल लगाएंगे? तो कहीं भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस जीरो भी जीरो ही होगा और प्लस जीरो भी प्लस ही होगा। तो जनरली यहाँ पे राइट साइड लगा दिया जाता है, आप इधर भी लगा सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे ओरिजिन है, और ये जो राइट साइड वाला रीजन है, दिस रीजन, ये राइट साइड का रीजन है। ठीक है ना, यहां पर जब x 0 से बड़ा है तो मॉड x की वैल्यू x है। तो मॉड x की वैल्यू जब x है, मतलब ये इस तरह की लाइन होगी, दिस इज मॉड x इक्वल टू x, या फिर y इक्वल टू x लाइन बनेगी। ठीक है, और जब x लेस देन 0 है तो क्या बनेगा, उस केस में मॉड x हो जाएगा माइनस x, या फिर y इक्वल टू माइनस x। ये लाइंस मैं कैसे प्लॉट कर रहा हूं, तो इसके लिए आप y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x को प्लॉट करके देखिए, उसी रीजन में प्लॉट करना है, x ग्रेटर देन 0 में और x लेस देन 0 में। तो यही ग्राफ बनता है, इसको आप इजीली कर भी सकते हैं जिस तरह से स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट किया जाता था। तो देखो ये तो बन गया इसका ग्राफ। अब नेक्स्ट डोमेन और रेंज की बात भी कर लेते हैं। डोमेन, देखो डोमेन क्या होती है, ग्राफ से डोमेन कैसे फाइंड की जाती है। अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें ना, डोमेन होती है एक्स की वैल्यूज, तो एक्स की वैल्यूज ग्राफ में कैसे दिखेंगी, हॉरिजॉन्टली दिखेंगी। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और देखोगे कि उसने एक्स कितनी वैल्यूज वहां पे ली हुई है, कितनी वैल्यूज उसमें आ रही है जहां जहां फंक्शन का जो ग्राफ अवेलेबल है। तो यहां पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक मान लो कि एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो आप देखो वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आएगा, क्योंकि ग्राफ देखो वर्टिकली ऊपर की तरफ जा रहा है और इन्फिनिटी तक जाएगा।
तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू देखूंगा मैं, तो वो भी माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है ना, और वैसे ही राइट साइड भी प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो डोमेन आ गई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑल रियल नंबर्स, इसको मैं कैपिटल आर भी लिख सकता हूँ, ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज, रेंज हम देखते हैं वर्टिकली, ये वाई की वैल्यूज होती है, तो वर्टिकली देखना कि ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है। तो वर्टिकली अगर आप देखते हैं, ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है जीरो से, ये सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस ओनली, जो ग्राफ है इज अबव एक्स एक्सिस, इट इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसने पॉजिटिव रहना है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो वैल्यूज नेगेटिव भी हो जाएंगी, तो ये हमेशा ऊपर ही रहेगा, और अगर ऊपर रहेगा तो रेंज कितनी आएगी फिर, देयर फॉर रेंज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम वैल्यू आप देख सकते हो वर्टिकली इन्फिनिटी तक जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका ग्राफ है, और अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ग्राफ से ही प्रॉपर्टीज हम डिराइव कर सकते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर कर लेते हैं, इसकी पढ़ लेते हैं उनके बारे में, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने में जल्दी टाइम बचाएंगे आपका। इस तरह से ग्राफ को मैं मिटा देता हूं, इससे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज कई सारी है लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके बिना क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे, मैं सिर्फ वही प्रॉपर्टीज यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर होगा, पूरा डिटेल लेक्चर नहीं है ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में, तो जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं। फर्स्ट वन, मॉड एक्स लेस देन ए है, तो इसको समझा भी देता हूँ, ये ग्राफ बनेगा इस तरह से, ठीक है, ये मॉड एक्स का ग्राफ है एंड ए से छोटा रहना चाहिए, तो एक वाई इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ करो आप, वाई इक्वल टू ए, ठीक है, और अब आपने देखना है कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या है। राइट साइड में आपको पता है कि मॉड एक्स क्या था, एक्स के बराबर था, और लेफ्ट साइड मॉड एक्स था माइनस एक्स के बराबर, ठीक है, ये डेफिनेशंस थी। तो यहां पर जो ये पॉइंट है ये एक्स, यहां पर जो वाई की वैल्यू है वो कितनी है, एक्स है, और इधर हॉरिजॉन्टल जो है वो वाई की वैल्यू क्या है, ए है। तो अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और इसी तरह से जो ये वाला लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है यहां पर x की वैल्यू, क्योंकि माइनस एक्स है तो ये a हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस a, तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट कितना मिला, a कॉमा जीरो मिला, एंड इसके करस्पॉन्डिंग माइनस a कॉमा जीरो। स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पर इनइक्वालिटी क्या बोलती है, मॉड x इज लेस देन a, मॉड x का ग्राफ है वो a से नीचे रहेगा, तो मॉड x a से नीचे मतलब ये जो हिस्सा है ना जो मैं यहाँ पे थोड़ा डबल शेड कर रहा हूँ, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्स की वैल्यूज होगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जैसे ही मैं वाई इक्वल टू लाइन के ऊपर जाऊंगा तो मॉड एक्स ए से बड़ा हो जाएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज ये है माइनस ए टू ए, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ए, ये रिजल्ट है वैसे आपने याद रखना है टू ए, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, और अगर ऐसे होता इक्वल टू ए तो आप डायरेक्टली लिखते एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। अब इसी से थर्ड प्रॉपर्टी भी डिराइव्ड है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल हो जाएगा क्योंकि इक्वल भी है, थर्ड प्रॉपर्टी मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, तो अब आपने क्या करना है, ए से बाहर जाना है, मॉड एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए, तो देख लो ग्राफ ऊपर आएगा, जो शेडेड रीजन है ना इसको छोड़ के जितना भी हिस्सा बच गया वो ग्राफ का वो आंसर का पार्ट है, तो एक्स की वैल्यूज फिर बाहर को आएंगी, है ना, ये बाहर को वैल्यूज होंगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, या फिर ऐसे लिख दो आर माइनस माइनस ए और ए के बीच की वैल्यूज निकाल देनी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस ए यूनियन
a to infinity, ठीक है, ये थर्ड का सॉल्यूशन आ गया। और इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है जिसका क्वेश्चन में यूज करते हैं, जैसे मोड kx है ना, अगर यहां पे k जैसे कोई पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है तो खुद पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये k बाहर आ जाता है मोड x से, इसका भी यूज कर सकते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ जैसे मोड 2x प्लस 4 होगा, तो यहां से मैं 2 बाहर ले सकता हूँ x प्लस 2 करके। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर 2 कैसे बाहर आया, तो ये प्रॉपर्टी एज ए प्रॉपर्टी ही आप इसको याद रखें कि इस तरह से बाहर आ सकता है। अब ठीक है, कुछ थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, ये बहुत ही बेसिक लेवल की प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं आपको। अब आपने मेनली देखो एक ये रिजल्ट याद रखना है, ये याद रखना है। अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ मॉड एक्स प्लस टू मॉड एक्स माइनस टू, थर्ड मॉड एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स प्लस टू, ठीक है। तो काफी सिंपल ग्राफ है ये, फर्स्ट का देखो मॉड एक्स प्लस टू, तो मॉड एक्स प्लस टू ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू जीरो कब होती है, क्योंकि मॉड की मिनिमम वैल्यू भी जीरो होती है हमें पता है, तो मॉड एक्स प्लस टू की जो मिनिमम वैल्यू जीरो आएगी मुझे वो पॉइंट निकालना है। वो आप देख सकते हैं x की वैल्यू माइनस टू के ऊपर आएगा, है ना, तो x की वैल्यू माइनस टू के ऊपर मिनिमम होगा माइनस टू कॉमा जीरो के ऊपर, और इसके बाद ग्राफ इस तरह से जाएगा राइट साइड और लेफ्ट साइड से, क्योंकि बाकी वैल्यूज तो पॉजिटिव रहेंगी ना, और मॉडुलस फंक्शन जो है मॉड एक्स, जब तक एक्स की पावर वन है तो स्ट्रेट लाइन ही रहनी है, और डेफिनेशन इसकी अगर बनाई जाए तो इट विल बी एक्स प्लस टू, देन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू एंड इट इज माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, देन एक्स इज लेस देन माइनस टू। तो यहां पर बन गया एक्स प्लस टू और इधर बन गया एक्स माइनस टू, ठीक है, ये बन गया मॉड एक्स प्लस टू। इसी तरह से सिमिलरली मॉड एक्स माइनस टू भी ड्रॉ कर लेते हैं, इट इज x minus 2 when x is greater than 2 and minus of x minus 2 when x is less than 2। यहां पर भी मैं सेम फंडामेंटल यूज कर रहा हूं, अगर मॉडुलस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है जीरो होती है तो x की वो वैल्यू निकालनी है सबसे पहले जहां पर मॉड x minus 2 क्या है जीरो हो रहा है, तो x की वैल्यू 2 के ऊपर वो जीरो हो रहा है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा 2 कॉमा 0 है ये, और इसके राइट में ऐसे लेफ्ट में इस तरह से, राइट साइड में वैल्यू x माइनस टू है और लेफ्ट साइड माइनस x माइनस टू। अब स्टूडेंट्स जो थर्ड वाला ग्राफ है ना, थर्ड में ये दोनों ऐड हो जाते हैं, है ना, ये दोनों ऐड हो जाते हैं, तो पहले तो थर्ड को मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि एलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करना है। ग्राफ बनाना तो आसान है, उसके लिए मैं शॉर्टकट भी बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा कि शॉर्ट जल्दी जल्दी ग्राफ कैसे बनाने हैं। जैसे यहां पर मैंने बताया कि जहां पे जीरो हो रहा है उस पॉइंट को निकालो, राइट में स्ट्रेट लाइन खींच दो, लेफ्ट में भी, तो वैसे ही दो जब दो फंक्शंस का सम होगा तब भी ड्रॉ करने के लिए एक ट्रिक है, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब मैं x प्लस टू के मॉड में x माइनस टू का मॉड ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा। आप जानते हैं मॉड x माइनस टू, अभी देखा हमने इट इज x माइनस टू when x is greater than 2 and minus of x minus 2 when x is less than 2 and mod x plus 2 it is x plus 2 minus of x plus 2 when x is greater than minus 2 and x is less than minus 2। तो स्टूडेंट्स देखो ना, नंबर लाइन को यहां पर ये जो फंक्शंस, इन फंक्शंस की डेफिनेशंस हैं, ये चेंज किन किन पॉइंट्स पर हुई, एक 2 के ऊपर हुई और एक माइनस 2 के ऊपर हुई, तो उन पॉइंट्स को मार्क कर दो माइनस 2 एंड 2। आप चाहो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं थोड़े बेटर क्लैरिटी के लिए यहाँ पे नंबर लाइंस पर शो करके बताता हूँ। और 2 के राइट में मेरे पास कैसे कैसे फंक्शन है, 2 के राइट में जब x 2 से बड़ा है तो एक फंक्शन है x माइनस 2 और दूसरा फंक्शन कैसा है
जो माइनस टू के राइट में है, जब जो माइनस टू के राइट में है वो टू के भी राइट में आएगा, मतलब यहां से अभी एक्स माइनस टू चला हुआ है और माइनस टू के राइट में कौन सा फंक्शन चला हुआ है, दिस इज एक्स प्लस टू, ठीक है, एंड माइनस टू के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, माइनस टू के लेफ्ट में ये फंक्शन चला हुआ है माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है, एंड टू के लेफ्ट में कैसा है फंक्शन की वैल्यू, टू के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू ये है माइनस एक्स माइनस टू। तो देख लो जिस जिस इंटरवल में जो जो फंक्शन दिख रहा है आपको वैसे ही ऐड करना है, माइनस टू के राइट में एक तो एक्स माइनस टू है और इधर परे से क्या आ रहा है, परे से एक्स प्लस टू ऐड आ रहा है, तो ऐड हो जाएंगे, तो देयरफॉर मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इट विल बी, इंटरवल्स में डिवाइड कर दो, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू व्हेन माइनस टू एंड टू यहाँ पे एक को लगा दो एंड व्हेन एक्स इज लेस देन माइनस टू। तो जब एक्स दो से बड़ा है, दो से बड़ा एक्स के लिए एक तो ये वाली ब्रांच है एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस यहां से परे से क्या आया, ये भी मतलब इधर कुछ एरो यहां इस साइड ना, तो ये चला हुआ है, परे से भी एक्स प्लस टू आ गया एक्स प्लस टू, और माइनस टू और टू के बीच में, माइनस टू एंड टू के बीच में एक हमारे पास एक्स प्लस टू है, ठीक है ना, ये वाला, एंड एक यहां से आ रहा है माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, एंड इधर क्या है एक माइनस एक्स प्लस टू है और एक यहां से आ रहा है माइनस एक्स माइनस टू, है ना, ओके। तो अब इनको मैं ऐड करके लिख रहा हूं कि ऐड करके क्या बनेगा, इट इज 2x बन गया, यहां पर 2 प्लस 2 4 हो गया, 4 हुआ ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 4 हो गया, ये x x कट गया और वो वैल्यू 4 आ गई, एंड यहां पर 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, x ग्रेटर देन 2 माइनस टू लेस देन एक्स लेस देन टू एंड एक्स लेस देन माइनस टू। अब इसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, टू माइनस टू और माइनस टू और टू के बीच में वैल्यू फोर है, दिस इज वाई इक्वल फोर, इसके आगे टू एक्स डबल स्लोप से चलेगा, इधर माइनस टू एक्स, दिस इज ग्राफ। और स्टूडेंट्स ग्राफ की जो नॉलेज है वो जरूरी क्यों है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ग्राफिकली जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, जैसे सपोज इस क्वेश्चन में आपको ये करना होता, ऐसे क्वेश्चन होगा सॉल्व, मॉड एक्स प्लस टू प्लस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू, जैसे मैं मान लो सिक्स कर देता हूँ, सिक्स सिक्स के लिए सॉल्व करना होता, तो एक वाई इक्वल टू सिक्स लाइन ड्रॉ करो और देखो कहाँ कहाँ मीट कर रहा है, वाई इक्वल टू फोर से ऊपर ही आएगा ना, तो यहाँ राइट ब्रांच में और लेफ्ट ब्रांच में ही मीट करेगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, यहाँ ग्राफ की वैल्यू 2x है, तो 2x को 6 कर दो, x की वैल्यू 3 आ गई, और यहाँ पर माइनस 2x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू माइनस 3। तो ये क्या होता है, ये कुछ बेनिफिट्स हैं ग्राफिकल नॉलेज के, आप ऑफकोर्स आप विदाउट ग्राफिकल नॉलेज भी इसको कर सकते थे, और इसको स्प्लिट वगैरह करके मतलब सारा मेथड लगा के भी सॉल्व हो ही जाता, बट ग्राफ से जल्दी होता है ना, तो बेटर है ग्राफ ग्राफ सीख लिए जाए, टाइम बचता है आपका पेपर में, लेकिन हाँ अभी इतना ग्राफ बनाने के लिए तो देखो मेहनत करनी पड़ रही है, ऐसा सोच सकते हो आप, लेकिन ऐसा है कि इसको इस तरह का ग्राफ बनाने को, जब तक हमारे पास मॉड में एक्स की पावर 1 है, तो उन ग्राफ्स को ड्रॉ करने का एक तरीका भी है, एक टेक्निक है, वो टेक्निक है इस टेक्निक को आपको मैं सिखा लेता हूँ, इतना सब कुछ देखने के लिए रुकनी पड़ेगी, ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, जैसे ये था हमारे पास मॉड एक्स प्लस टू प्लस मॉड एक्स माइनस टू, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, तो आपको निकालना है एक एफ ऑफ टू, क्योंकि टू के ऊपर एक जीरो हो रहा है वो फोर आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस टू ये भी फोर आ रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इजिली वैल्यूज पुट करके एक्स की, अब एक्स वाई और प्लॉट कर दो, तो f माइनस टू और टू दोनों के ऊपर ही वैल्यू कितनी है फोर है, तो माइनस टू फोर एंड टू कॉमा फोर ग्राफ के ऊपर लाई करते हैं, ये पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर हैं, फंक्शन की वैल्यू आ रही है ना, तो ग्राफ के ऊपर है ये, अब क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन है आप इजीली समझ सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन
हेयर विल कंसिस्ट ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस, उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइंस आएंगे ना, कोई सर्कल नहीं आएगा, पैराबोला नहीं आएगा। अगर स्ट्रेट लाइन आएगी, एक पॉइंट ये है ग्राफ के ऊपर, दूसरा ये है, और स्ट्रेट लाइन ही बन सकती, तो पक्का ज्वाइंट होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि घूम फिर के आएगा ये ऊपर से नीचे से कहीं से भी, ओके कर्व बना के आएगा। जब स्ट्रेट लाइन नहीं है ग्राफ में तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया, और इसके राइट में हमें पता है ऐसे होना है, लेफ्ट में ऐसे होना है, बन गया ग्राफ। तो उसमें कितना टाइम लगा? ठीक है, अगर आपको मतलब थोड़ा भी डाउट है तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, छोटा क्वेश्चन आप कर लेंगे, तीन टर्म वाला करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, मान लो फंक्शन अब ऐसा है, मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स माइनस फाइव प्लस मॉड, चलो यहाँ पे टू एक्स कर दिया मैंने, टू एक्स माइनस सिक्स कर दिया। ठीक है, तो लेकिन यहां से निकालना पड़ेगा इसका जो क्रिएट जब वो वाला पॉइंट जहां फंक्शन जीरो हो रहा है। तो ये थोड़ा सा सॉल्व करके इसको मैं लिखूंगा, मॉड एक्स प्लस वन प्लस मॉड एक्स माइनस फाइव प्लस टू बाहर आ जाएगा एंड एक्स माइनस थ्री। अब मुझे ये तीन पॉइंट्स मार्क करने हैं, कौन सा पॉइंट, एक करना है माइनस वन और एक करना है थ्री, एक करना है फाइव। सबसे पहले फाइंड करो एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ माइनस वन तो ये जीरो, यहाँ से सिक्स आया। ठीक है, और यहाँ से कितना आया, चलो लिख लेते हैं, कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, माइनस वन माइनस फाइव प्लस टू माइनस वन माइनस थ्री, ये बन गया सिक्स प्लस एट, क्योंकि माइनस फोर का मॉड प्लस फोर हो गया, फोर्टीन आ गया। ठीक है, एंड एफ ऑफ फाइव फाइंड करते हैं, ये वैल्यू जीरो, यहाँ से सिक्स आया, और यहाँ से पाँच माइनस तीन दो, और दो और दो चार, चार और छः दस। ठीक है, हाँ तो ये टेन आ गया। स्टूडेंट्स कंफर्म कर सकते हैं आप इसको, पाँच और एक छः जीरो एंड फोर टेन। ठीक है, एंड लास्ट वैल्यू एफ ऑफ थ्री फाइंड करना है मेरे को, एफ ऑफ थ्री कितना बनेगा, फोर एंड टू सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स, तो सिक्स बनेगा। तो पॉइंट्स सिक्स टेन एंड फोर्टीन, थ्री के ऊपर वैल्यू है सिक्स, सो थ्री कॉमा सिक्स इज ऑन द ग्राफ। ठीक है, एंड सिमिलरली माइनस वन के ऊपर वैल्यू कितनी है, फोर्टीन है, माइनस वन कॉमा फोर्टीन इज ऑन द ग्राफ, एंड फाइव के ऊपर वैल्यू टेन है, सो फाइव कॉमा टेन इज ऑल्सो ऑन द ग्राफ। अब आपको पॉइंट्स वैसे ही प्लेस करने, सबसे ऊपर 14, फिर 10, फिर उसके बाद 6। अब ग्राफ्स मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइंस ही हो सकती थी, तो उनको ज्वाइन कर लो, इसके आगे थोड़ा फास्ट इंक्रीज करेगा, देखो फास्ट इंक्रीज करेगा। अब क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कुछ ऐसा आ गया कि सर हमारे से बोला गया कि दिस फंक्शन इसकी वैल्यू कितने के लिए सॉल्व करना है मेरे को, मान लो ये सॉल्व करना है 8 के लिए सॉल्व करना है, मान लो 8 के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देखो 8 इन में से कहां जैसे आ रहा है, मुझे सिर्फ वही ब्रांच ओपन करनी है, फिर ऐसे पूरा फंक्शन देखो जब सॉल्व करना है ना, ये डेफिनेशन तो चाहिए चाहिए। मान लो 8 है तो y को 8 किसके 6 और 10 के बीच में होगा, है ना, ये y को 8 लाइन आएगी, तो यहां पे दो सॉल्यूशन आ रहे हैं इसके। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल दो, या तो फंक्शन को ओपन कर लो जैसे मैंने बताया, सिक्स और थ्री और फाइव के बीच में ओपन करना है, तो थ्री और फाइव के बीच में वो कैसा रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, उसके हिसाब से ऐड कर सकते हो ना कितना टाइम लगेगा। और अगर मान लो फिर भी दिक्कत है, तो दो पॉइंट्स हैं सोच के आ रहे हो, स्ट्रेट लाइन है, फाइंड करो इक्वेशन, वो भी एक शॉर्टकट है, टू पॉइंट्स फॉर्म लगा के टाइम कितना लगेगा इक्वेशन फाइंड करने में, सॉल्व कर लो, एक्स वैल्यू आई जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल्स के ऊपर कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे।